हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल इंजीनियर फॉर यू के नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं 30 फीट बाई 50 फीट में डिज़ाइन किए हुए हाउस प्लान के डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ फेसिंग प्लॉट रहने वाला है। इसके प्लॉट के टू साइड रोड का अप्रोच रहेगा, साउथ और वेस्ट की तरफ रोड रहेगा, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ दूसरे के मकान रहेंगे। दोस्तों, हमने नक्शा हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और वास्तु के हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें से हमने 30 फीट बाई 40 फीट में पूरा नक्शा डिज़ाइन किया हुआ है। चले गए इस नक्शे की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सामने की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं 12 फीट वाइड का मेन गेट का अप्रोच दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 10 फीट वाइड का पूरा पार्किंग स्पेस आपको देखने को मिलता है। आगे चले जाएंगे, यहाँ पे सीढ़ियाँ डिज़ाइन की गई है। यहाँ पे आपका कुछ स्टेप रहेंगी, देन उसके बाद यहाँ से आपकी सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है। यहाँ से आप सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पे जा सकते हैं और सीढ़ियों का नीचे का पोर्शन अपन बरामदे की तरह यूज़ करने वाले हैं। मेन गेट का अप्रोच जो कि घर के अंदर जाने के लिए हमने पूर्व मुखी रखा हुआ है, 3.5 फीट का रहेगा और यहाँ पे ड्राइंग हॉल रहने वाला है। सो ड्राइंग हॉल की साइज 13 फीट बाई 15 फीट 3 इंच रहेगी। यहाँ पर हमने सिटिंग का प्रोविजन दिखाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए मतलब एयर सर्कुलेशन के लिए विंडो डिज़ाइन की गई है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने एलईडी यूनिट का ऑप्शन डिज़ाइन किया हुआ है। देन उसके राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे किचन रहेगा, 10 फीट 10 इंच बाई 8 फीट 6 इंच का रहेगा। किचन का वर्किंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर बताया हुआ है। किचन का कनेक्टेड यहाँ पर स्टोर रूम डिज़ाइन किया गया है, 4 फीट बाई 8 फीट 6 इंच का। और किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक विंडो रहने वाली है। देन आगे चले जाएंगे, आगे यहाँ पे आपको डाइनिंग मिल जाता है। डाइनिंग स्पेस की साइज 15 फीट 4 इंच बाई 7 फीट 10 इंच रहने वाली है। यहाँ पे पूजा रूम का प्रोविजन बताया गया है, पूजा रूम की साइज रहेगी 5 फीट बाई 7 फीट 10 इंच। और यहाँ पे हमने WC और बाथरूम सेपरेट डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। बाथरूम की साइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 फीट 6 इंच बाई 4 फीट रहेगी। WC की साइज 4 फीट बाई 3 फीट 6 इंच रहने वाली है। वेस्ट की तरफ रोड का अप्रोच होने से इस तरफ अपन वेंटिलेशन देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम के वेंटिलेशन के लिए विंडो बताई हुई है। देन बैक साइड आपको 2 बेडरूम देखने को मिलते हैं। दोनों की साइज लगभग सेम ही रहने वाली है, 12 फीट बाई 11 फीट 9 इंच, जिसकी एंट्री यहाँ से लॉबी में से रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर का बेडरूम देख सकते हैं, यहाँ पे उसका डबल बेड का प्रोविजन बताया हुआ है। यहाँ पे अलमीरा रहेगी। देन उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम डिज़ाइन किया गया है। मास्टर बेडरूम को यहाँ पे अटैच टॉयलेट रहेगा, 4 फीट बाई 7 फीट 3 इंच का। यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए आपको जगह मिल जाती है और यहाँ पे आपका अलमीरा का प्रोविजन रहेगा। बैक साइड हमने 3 फीट का प्रोविजन छोड़ दिया हुआ है वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए, क्योंकि बैक साइड भी दूसरे के मकान रहने वाले हैं, तो इसे अपन बैक एयर या सीट आउट की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसकी चौड़ाई 3 फीट रहेगी, तो इसकी विड्थ 3 फीट रहने वाले है। दोनों बेडरूम को यहाँ से ओपनिंग मिल जाती है। तो इस तरह हमने 2 BHK का 30 बाई 40 में डिज़ाइन किया था हाउस प्लान का नक्शा। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों रिश्तेदारी के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।